धाकड़ के फ्लॉप होने पर क्वीन कंगना रनौत ने गिनाई पिछली उपलब्धियां। सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, खुद को बताया भारत की बॉक्स ऑफिस क्वीन। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ लोगों को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिल्म को ना तो ऑडियंस मिली और ना ही उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई। वैसे धाकड़ का कंगना रनौत ने जमकर प्रमोशन भी किया था। इस एक्शन थ्रिलर से कंगना को काफी उम्मीदें भी थी, लेकिन कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 के आगे धाकड़ फेल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वीन की ये 9वीं फिल्म थी जो फ्लॉप हुई है। फिल्म के बुरी तरह पिटने के बाद कंगना रनौत ने अब तक चुप्पी साधी रखी थी और अब इस पर अपनी बात रखी है। धाकड़ के फ्लॉप पर खुद का बचाव करते हुए कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने खुद को बॉक्स ऑफिस क्वीन बताया है। एक्ट्रेस लिखती है, 2019 मैंने मणिकर्णिका को 160 करोड़ का सुपर हिट दिया। 2020 कोविड साल था। 2021 मैंने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म थलाई भी दी जो OTT पर आई और एक बड़ी हिट साबित हुई। कंगना रनौत ने आगे लिखा, मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन 2022 मेरे लिए ब्लॉकबस्टर लॉकअप होस्टिंग वाला साल है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में भले ही सीधे तौर पर धाकड़ के असफल होने के बारे में जिक्र नहीं किया होगा, लेकिन उनकी ये स्टोरी इसी ओर इशारा कर रही है। वेल, इन खबरों पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।